नमस्कार, दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है धोखेबाज का अंत। किसी स्थान पर एक बहुत बड़ा तालाब था, वही एक बूढ़ा बगुला भी रहता था। बुढ़ापे के कारण वह कमज़ोर हो गया था, इस कारण मछलियाँ पकड़ने में असमर्थ था। वह तालाब के किनारे बैठकर भूख से व्याकुल होकर आंसू बहाया करता था। एक बार एक केकड़ा उसके पास आया। बगुले को उदास देखकर उसने पूछा, किसने पूछा? केकड़े ने पूछा, मामा तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुमने आजकल खाना पीना छोड़ दिया है? अचानक यह क्या हो गया? तब बगुले ने बताया, पुत्र मेरा जन्म इसी तालाब के पास हुआ था, यहीं मैंने इतनी सारी उम्र बिता दी। अब मैंने सुना है कि यहाँ 12 वर्षों तक पानी नहीं बरसेगा। केकड़े ने पूछा, तुमसे ऐसा किसने कहा है? बगुले ने कहा, मुझे एक ज्योतिषी ने यह बात बताई है, इस तालाब में पानी पहले ही कम है, शेष पानी भी जल्दी ही सूख जाएगा। तालाब के सूख जाने पर इसमें रहने वाले प्राणी भी मर जाएंगे। इसी कारण मैं परेशान हूँ। बगुले की यह बात केकड़े ने अपने सभी साथियों को बताई। वे सब बगुले के पास पहुँचे। उन्होंने बगुले से कहा, मामा ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हम सब बच सकें। बगुले ने बताया, यहाँ से कुछ दूर एक बड़ा सरोवर है, माने इससे भी बड़ा तालाब है। यदि तुम लोग वहाँ जाओ तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो सकती है। सभी ने एक साथ पूछा, हम उस सरोवर तक पहुँचेंगे कैसे? तब चालाक बगुले ने कहा, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें पीठ पर बैठा कर उस तालाब तक ले जा सकता हूँ। सभी बगुले की पीठ पर चढ़कर दूसरे तालाब में जाने के लिए तैयार हो गए। दुष्ट बगुला प्रतिदिन एक मछली को अपनी पीठ पर चढ़ा कर ले जाता और शाम को तालाब पर लौट आता। इस प्रकार उसकी भोजन की समस्या जो थी हल हो गई। एक दिन केकड़े ने कहा, मामा अब मेरी भी तो जान बचाइए। उसी केकड़े ने जिसने शुरू में उससे बात की थी। बगुले ने सोचा कि मछलियाँ तो वह रोज खाता है, आज केकड़े का मांस खाएगा। ऐसा सोचकर उसने केकड़े को अपनी पीठ पर बैठा लिया। उड़ते हुए वह उस बड़े पत्थर पर उतरा जहाँ वह हर दिन मछलियों को खाया करता था। केकड़े ने वहाँ पर पड़ी हुई हड्डियों को देखा, बहुत सारी मछलियों की हड्डियाँ कांटे सब पड़े हुए थे। उसने बगुले से पूछा, मामा सरोवर कितनी दूर है? आप तो थक गए होंगे। बगुले ने केकड़े को मूर्ख समझकर उत्तर दिया, अरे कैसा सरोवर, यह तो मैंने अपने भोजन का उपाय सोचा था। अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा, मैं इस पत्थर पर बैठकर तुझे खा जाऊंगा। इतना सुनते ही केकड़े ने बगुले की गर्दन जकड़ ली और अपने तेज दांतों से उसे काट डाला। बगुला वहीं पर छटपटाकर मर गया। केकड़ा किसी तरह धीरे धीरे घिसटते हुए अपने तालाब तक पहुंचा। मछलियों ने जब उसे देखा तो पूछा, अरे केकड़े भाई तुम वापस कैसे आ गए? मामा को कहाँ छोड़ आए? हम तो उनके इंतजार में बैठे हुए हैं। यह सुनकर केकड़ा हंसने लगा। उसने सारी बात बताई, कैसे वह बगुला महाठग था, उसने हम सभी को धोखा दिया। वह हमारे साथियों को पास की एक चट्टान पर ले जाकर रोज खा जाता था, वहाँ कोई सरोवर नहीं था।
मैंने उस धूर्त बगुले को मार दिया है। अब डरने की कोई बात नहीं है। इसीलिए इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल भी होता है और वही अंत में जीतता है। धन्यवाद।